शब्द है वीकनेस। तो स्टूडियो में वीकनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या अर्थ और मतलब होता है, दोनों में जानेंगे, एग्जाम्पल्स है, सेंटेंसेस में यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं वीकनेस का अर्थ और मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में। सबसे पहले हम हिंदी में समझते हैं वीकनेस का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है। देखिए, वीकनेस हम बोलते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए खास तरह की चाहत या फिर एक कहिए कमजोरी, प्रायः जो बेमतलब की होती है, कोई फायदा नहीं होता बहुत ज्यादा उनसे, तो उसी को हम वीकनेस बोलते हैं। किसी को खाने की कमजोरी होती है, किसी को बहुत ज्यादा सोने की कमजोरी होती है, तो बहुत ज्यादा सोना जो है कोई अच्छी चीज नहीं है, तो एक हिसाब से वो वीकनेस है, किसी की वीक पॉइंट है। और वीकनेस का मतलब होता है दुर्बलता, कमजोरी, निर्बलता, अशक्तता, दुर्बल पक्ष, कमजोरी को हम वीकनेस बोलते हैं। मतलब चाह करके भी आदमी उस पर काबू नहीं पा सकता, उसको भी हम वीकनेस बोलते हैं, किसी का वीक पॉइंट। इंग्लिश में वीकनेस को बोलते हैं द स्टेट ऑफ बीइंग वीक और सम वीक पॉइंट्स, मतलब फॉल्ट, फ्लॉ, डिफेक्ट, डिफिशिएंसी, वीक पॉइंट और स्पॉट एंड इटीसी, मतलब और भी इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं वीकनेस के। चलिए एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में समझते हैं शब्द को अच्छी तरह से। जैसे बोलेंगे आम बोलचाल में तो इस तरह से शब्द को प्रयोग करेंगे कि दिस इज ओनली माय वीकनेस यू नो वेरी वेल, मतलब यही सिर्फ मेरी कमजोरी है तुम अच्छी तरह जानते हो। दूसरा एग्जाम्पल, डू यू एडमिट यू हैव अ वीकनेस, क्या आप मानते हो, इस बात को स्वीकार करते हो कि आप में कोई कमी है। तो वीकनेस का मतलब कमी, डिफेक्ट, फॉल्ट। ठीक है, तो मैंने अपने वीकनेस शब्द को हिंदी इंग्लिश में एग्जांपल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर डेस्क।